हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमने लिया है 1/2 kg बेसन। हमने एक बाउल में हॉट वाटर लिया है, ये बहुत हॉट नहीं है, मीडियम हॉट वाटर लिया है 1/2 बाउल। उसके अंदर हमने 2 टीस्पून घी डाला है। अब हम बेसन और इस घी वाटर जो हमने एक बेटर बनाया है उसको मिक्स करेंगे। इसे हमें प्रॉपरली मिक्स करना है अच्छे से। आप इसे बड़े बाउल में ट्रांसफर करके भी मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, जो हमने बेसन घी और वाटर को मिक्स करके रखा था उसको हम पहले प्रॉपरली इससे छान लेंगे। मैंने इस छन्नी का यूज किया, ये देख लीजिए। इस छन्नी को छानने के बाद हम उसको घी में सेकने के लिए रख देंगे। अब इसे आपको मीडियम फ्लेम पर, लो मीडियम फ्लेम पर सेकना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। इसे कंटिन्यू चलाते रहिए। देखिए, लो मीडियम फ्लेम पर इसको ऐसे चलाते रहना है कंटिन्यू। इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होना स्टार्ट हो गया है, बट आपको इसको कंटिन्यू चलाना है। ये देखिए, बेसन एकदम अच्छे से सीख गया। आप देखिए इसका कलर और इसका अरोमा भी बहुत अच्छा आ रहा है। इसमें घी की क्वांटिटी, आप अगर आपने 1/2 kg बेसन लिया है तो 300 ग्राम घी लीजिए। घी की क्वांटिटी आप लड्डू बांधते टाइम देख सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो थोड़ा और मिला सकते हैं, बट अभी हमने इसमें 300 ग्राम लिया है घी। और ये देखिए, एकदम से सीख के बहुत अच्छे से रेडी है। ये देखिए, ये हमारा बैटर हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है। इसको मैंने कढ़ाई से परात में इसलिए निकाल दिया था बिकॉज कढ़ाई गर्म रहती है, उसमें वो और ज़्यादा डार्क होने का टेंशन रहेगा, इसलिए आप उसको किसी बड़े से बर्तन में ठंडा कर लीजिए। इसमें मैंने बादाम को भी कतर के डाल दिया है। अब इसमें शक्कर मिलाने के लिए हमने, ये देखिए, पीसी शक्कर ली है, शक्कर को पीस दिया है हमने मिक्सी में, प्लस ये हमने शक्कर का बूरा लिया है। शक्कर का बूरा आपको मार्केट, ये पीसी शक्कर और शक्कर का बूरा दोनों मिला के 400 ग्राम हमने लिया है। आप बाद में टेस्ट करके, आपको मीठा चाहिए ज़्यादा तो और बढ़ा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, बट ये अभी हमने 400 ग्राम लिया है, शक्कर का बूरा एंड पीसी शक्कर दोनों।